पिछले कुछ सालों से पठानकोट के हिंदू कोऑपरेटिव बैंक में लोगों का पैसा फंसा होने के कारण लोग काफ़ी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। बता दें कि पठानकोट का यह बैंक आजकल काफ़ी हद तक डूब चुका है, क्योंकि इस बैंक से करोड़ों रुपए पठानकोट व इसके आसपास के नामी हस्तियों ने लोन लिए थे, जो अभी तक वापस नहीं दिए, जिसके कारण शहर की भोली भाली गरीब जनता का पैसा यहाँ फंस कर रह गया है। यहाँ यह भी बता दें कि जब से इस बैंक में लोगों का पैसा फंसा हुआ है, तब से ही यह लोग धरना प्रदर्शन कर संघर्ष कर रहे हैं, ताकि किसी तरह उनका पैसा वापस मिल सके। पर अभी तक लोगों को बैंक प्रबंधन व सरकार की ओर से लॉलीपॉप ही मिला है, पर अब इस बैंक की मार लोगों के घरों तक पहुंच गई है। ऐसा ही कुछ देखने को मिला पठानकोट के मोहल्ला घरथोली में। यहाँ एक परिवार के घर बिजली का बिल 8 महीने का करीबन 75,000 रुपये आ गया, जो यह परिवार बिल चुकाने में असमर्थ था, जिसके कारण बिजली वालों ने उनके घर से बिजली का कनेक्शन काट दिया और कहा कि वह बिल जमा करेंगे तो ही उनकी बिजली चालू होगी। अब घर वालों को इतनी मुश्किल हो गई है कि वह गर्मी में हाथ वाला पंखा झुलाकर ही गुजारा कर रहे हैं। यहाँ तक कि बच्चे भी अपनी स्टडी गर्मी में हाथ वाला पंखा झोल कर रहे हैं। इस परिवार ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पहले सरकारें दावे करती थी कि उनका पैसा बैंक में महफूज है, क्योंकि बैंक सरकार के दायरे में है, पर अब सरकारें कहाँ हैं? अब उनका पैसा डूब रहा है, उन्हें नहीं मिल रहा है, वैसे में कहाँ जाएं? इस परिवार ने बताया कि करीब उनका इस बैंक में 18 से 20 लाख रुपए है, जो उन्हें नहीं मिल रहा है। अगर उन्हें मिल जाता तो वह अपना बिजली का बिल भर देते, पर बिजली नहीं कटती। उन्हें पैसा ना मिलने के कारण यह दिन देखने पड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऊपर से कोरोना जैसी महामारी के कारण वैसे ही लोगों के पास काम धंधा नहीं है, ऐसे में वह कहाँ जाएं? इस परिवार ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि वह जल्द इस बैंक के फ्रॉडियों को पकड़े व लोगों का पैसा वसूल कर उन्हें दे। नेशनल 18 के लिए पठानकोट से कैमरा पर्सन अशोक कुमार के साथ अजय कुमार की रिपोर्ट। 8 महीने का बिल हो गया 75,000 रुपया, बैंक वाले 25,000 रुपये दे रहे हैं, मिठी गोली दे रहे हैं, तो वो 25,000 मैं तो 5,000 रुपये को फाड़ के बिल दिता गया 30,000 रुपया। महीने बाद अगो कहते एक्शन साहब कह रहे हैं कि बिल हो दिता जाए 30,000 रुपया, मैं कितों लैके जाऊँगा? ऐ तो व्डे मगरमच्छ उन्होंने फड़े नहीं जान दे, छोटे बैठे होने बाहर बैठे आप बैंक के बाहर धक्के मार के उन्होंने पुलिस चक्कर लिया है रोज़ ही। बैंक हैगा हिंदू कोऑपरेटिव बैंक है, उस मेरा 18 to 20 lakh rupees ब्याह होया, उन्होंने साल का 25,000 रुपये किया। 25,000 मैं की कराँगा? जेड़ा खर्चा मेरा 5 to 6,000 रुपये मैं महीने का खर्चा डालन दिया, 25,000 मैं की कर लाँगा? मेरा बिल आंदा घर का 8,000 बिल आ रहा महीने का, 25,000 मैं साल का नहीं बिल दे सकता। बैंक का की मसला, क्यों नहीं पैसे थोड़े दिते यार? बैंक च फ्रॉड चल रहा, तो ना ही उन्होंने को व्डे मगरमच्छ फड़े जा रहे, अच्छे बल्ला भी है शामिल, कुंज साहब भी शामिल अपने, तो बनारसी परशोत्तम साहब शामिल होए हुए ने, सानू कोई हल नहीं किया जा रहा। जो जन्ने बैंक इको गोली होंगी है कि बैंक करेगा जो करेगा, आर बी आई की गाइडलाइनस है कि नहीं। हाँ जी, मेरे मांग फरवरी महीने में जाना शुरू किया बैंक से, स्टार्टिंग 1 तरीक न भूआ जी बीमार ही, मैं बैंक गया, इन्होंने कोई दरवाजा नहीं खोलिया, ऐ इन्होंने मसला दिता कि 10 दिन तक ढा कुछ किया जाएगा, उन्होंने कुछ नहीं किया, ना गेट बंद कर लिया, लॉकडाउन कहते बंद हो गया हुआ बैंक, उस तो कोई इन्होंने पैसे दिता हुआ बिजली वाले ने प्रोड्यूस किया कि उन्होंने कहते 30,000 रुपये दिता जाए तो बिजली लग जाएगी, तो मैंने 4 दिन हो गए बिजली तो बगैर बैठे हुए घर, गुजारा है कि पक्खी झोल के बहना पैन रहा इतने, तो स्टडी भी नहीं हो रही मेरी, तो मंग तो आई है बिल उसे स्टॉप किया जाए, अगो जो बिल आ रहा कंटिन्यू आप दे देवे। लॉकडाउन चल रहा इस करके काम ठप्प वे रहे हैं, तो इस करके पैसों का कोई बंदोबस्त नहीं है, इस करके लाइट साड़ी की कहते लगा देन, तो बिल है जिते उ रोक देन, तो की कहते कंटिन्यू जो बिल आएगा वह अं दे देंगे, वो जो टैक्स पै रहा टैक्स साढ़ा रोक देन, अं की कहते महीने की महीने किश्त जमा कराई जावे, क्योंकि इस टाइम पैसे नहीं है साढ़े को, सारे पैसे बैंक च की कहते पे दे, इस करके बैंकों पैसे मिले सू, अज पैसे मिल जाए बैंकों अं अज बिल जमा करा देंगे। हाँ जी, सारे पैसे उत्थे जमा मारन का तो पता नहीं, हूँ पैसे सारे उत्थे जमा है, जो मिलेंगे कहते बैंक खुलेगा उदो पैसे दिते जाएंगे, देखो कदों खुलता हूँ, तो हजे नहीं खुलन का कारण, हूँ उ कहते कई ने घपले किए रहे, देखो वो हूँ जो पैसे पूरे होने फिर ही खुल।